तो यहाँ से हम पिक्सार्ट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से मैं कर देता कॉट एंड यहाँ से पहले मैं एक बैकग्राउंड ले लेता, ठीक है, जिस बैकग्राउंड का हम यूज करने वाले इस फोटो एडिट करने के लिए वो वाले बैकग्राउंड। एंड तो गाइस ये रहे हमारे बैकग्राउंड, कुछ इस टाइप की बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर टूल्स पैन है एंड सबसे पहले इसको रिसाइज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिसाइज कर देता हूँ एंड यहाँ पर देता हूँ 3098, ठीक है, डन। सॉरी यहाँ पर मैक्सिमम साइज 28 मात्र बता रहा है, ठीक है, 28 डन। टूल्स पैन है एंड यहाँ पर लेंथ शिफ्ट का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके एंड इसको आप लोगों को बता देता हूँ कितना रखना है। इसको पूरा नीचे करना है, ठीक है, 15 रखना है, ठीक है, 15। एंड इरेज वाला ऑप्शन पे आके इसको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नए वाला ब्रश लेके इस तरीके आप लोगों को बैकग्राउंड पर पेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर पूरे बैकग्राउंड पर मत करिएगा, यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, देखिए मैं कहाँ कहाँ पर कर रहा हूँ। तो आप लोग को यहाँ तक मात्र करना है, ठीक है, इस लाल वाले बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना है उस पर, क्योंकि उस पर हमें ब्लर नहीं चाहिए, ठीक है। एंड डन सही है, ठीक है, एंड इसको कर देते डन। एंड अब हम अपने मॉडल को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड फोटो पे आके एंड मैं यहाँ पर से अपने मॉडल को ले लेता हूँ, ठीक है। एंड तो आप लोगों को फोटो कटआउट नहीं करना था, वन क्लिक में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से देख के सीख सकते हो गाइस, ठीक है, वन क्लिक में फोटो को कैसे कटआउट करते हैं। एंड डन। एंड इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैं किस तरह से यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से लगा लेना आप लोगों को अपने मॉडल को इस तरीके से। एंड कर देते हैं यहाँ से डन। एंड उसके बाद यहाँ पर टूल्स पे आना है एंड क्रॉप पे एंड इसको इंस्टाग्राम साइज यहाँ पर पोर्टेंट कर लेना है, ठीक है। एंड देखिए मैं किस तरीके से मतलब यहाँ पर रख रहा हूँ, तो सिंपली आप लोग को इतना रख लेना है एंड कर देना है डन, ठीक है। थोड़ा सा और क्रॉप कर लेता हूँ मैं इतना एंड डन, ठीक है, अब सही है। एंड गाइस तो उसके बाद क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पर ऐड फोटो पे आना है, सॉरी गाइस यहाँ से टूल्स पे आना है एंड कर्व पे एंड यहाँ शेडो क्रिएट कर देते, ठीक है। तो इसको आप लोगों को नीचे के साइड इस तरीके से खींचना है, इरेज वाले ऑप्शन पे इन्वर्ट कर देना है, नियर वाले ब्रश लेके हार्डनेस को यहाँ पर बता रहा हूँ मैं 25 एंड इसको भी थोड़ा सा कम करेंगे इतना 22 एंड साइज को यहाँ पर बढ़ा लेंगे इतना, ठीक है। एंड इस तरीके से हमें शेडो क्रिएट करना है। एंड यहाँ से कर देते रन, ठीक है। एंड आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कितना रखना है, तो मैक्सिमम इतना रखना है एंड इसको कर देते रन। यहाँ पर आप लोगों को हेड फोटो पे आना है एंड यहाँ से ये एक वॉलीबॉल का पीएनजी में लगा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को मैं इस बता रहा हूँ इसमें इस फोटो एडिटिंग करने के लिए मैं जितना भी बैकग्राउंड पीएनजी वगैरह यूज करूँगा उन सब का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपने हैंड पर लगा रहा हूँ, किस तरीके से देखिए इसी तरीके से आप लोग को भी लगाना है, और सब इस तरफ करूँगा मैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए एंड डन सही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ मैं इतना एंड इसका यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड एक यहाँ पर भी लगा रख लेना है अपने पैरों के ऊपर में एंड उसके बाद इसे यहाँ पर कर देते हैं डन, ठीक है। एंड यहाँ से फिर से टूल्स पे आते हैं एंड यहाँ पर इस पर शेडो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कॉर्ड पे आना है एंड नीचे के साइड एंड एरिया इन हॉट एंड हार्डनेस को 21 और ओपेसिटी को 21 एंड साइज को इतना कम ही रखना है, ठीक है। जस्ट इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना है आप लोगों को एंड डन। एंड यहाँ से ठीक है, से डन। एंड फिर से यहाँ पर कॉर पे आता हूँ मैं एंड इरेज इन्वर्ट एंड यहाँ पर देख लीजिए आप लोग पता कितना रख रहा हूँ डन एंड डन सही है, ठीक है। एंड इतना होने के बाद यहाँ पर फिर से मैं ऐड फोटो पे आता हूँ
एंड फिर से वॉलीबॉल का पेंसिल लेता हूँ, ठीक है। इसको आप लोगों को यहाँ पर इस कॉर्नर पे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से घुमा के यहाँ पर इस तरीके से लगाना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा छोटा रखूँगा मैं इतना, एंड इसको डुप्लीकेट कर लेता, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर भी लगाऊँगा इस तरीके से, एंड इसको भी यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड इसको इस साइड पे लगाऊँगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड सही, इसको कर देते हैं डन। तो यहाँ से गाइस आप लोग को इफेक्ट पे आना है, एंड ये जूमिंग वाला ब्लर है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर इरेज पर क्लिक करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर साइज को थोड़ा सा कम करेंगे, एंड इस तरीके से इस पर पेंट करेंगे बॉल पर, ठीक है। एंड यहाँ से कर देते डन, एंड इसको देख लेते हैं कि कितना रखना है, इतना रख लेते हैं, ठीक है। एंड इसको कर देते डन। एंड उसके बाद यहाँ पर टूल्स पे आते हैं, एंड बैकग्राउंड को जो रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो रिसाइज पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से हम रिसाइज करेंगे, तो यहाँ पर लिखना है 30, इतना इतना लिखना है। एंड यहाँ पर मैक्सिमम साइज बता रहा है 31, ठीक है। तो 31, सॉरी इसको कट कर लेता हूँ मैं, 31 एंड डन। रिसाइज करने से क्या होता है गाइस कि हमारा जो बैकग्राउंड का क्वालिटी है ना, तो मतलब फोटो का क्वालिटी जो लो नहीं होगा, ठीक है। आप लोग समझिए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से डन, एंड उसके बाद हमारा पिक्सार्ट में काम खत्म हो चुका है। यहाँ से ड्रॉ टूल में आके अपने इमेज को जो सेव कर लेंगे, ठीक है। एंड वहाँ पर चलते हैं लाइट मोबाइल फोन, वहाँ पर फाइनल कलर ग्रेडिंग करना है, ठीक है। तो गाइस मैंने लाइट मोबाइल फोन को ओपन कर लिया हूँ, एंड यहाँ से जो है अपने फोटो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये रही है हमारी फोटो, तो ये आ चुके हैं, ठीक है। लाइट्स पे आना है, ठीक है। एंड इसका एक्सपोजर को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, एंड कंट्रास्ट को कम करना है अराउंड 30, एंड हाईलाइट्स को भी कम करना है 68, सॉरी यहाँ पर और कम कर लेता हूँ 53, एंड थोड़ा सा शेडो देना अपने फोटो में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख लिया हूँ 16, एंड वाइट्स एंड ब्लैक को, वाइट्स को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 9, एंड ब्लैक्स को मैं 6% रखा हूँ, एंड वाइट्स को थोड़ा सा और कम करेंगे इतना। एंड आते हैं कलर्स में, एंड यहाँ से थोड़ा सा वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम इतना 56, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर 67 रखा हो, ठीक है। एंड मिक्स पे आते हैं, एंड आते हैं स्किन के कलर पे, तो इसका जो ही बढ़ाया हो अराउंड 7, एंड सेचुरेशन को जो है यहाँ पर मैं कम करूँगा 28, एंड लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा ताकि जो हमारा फेस जो है ब्राइट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ लेता हूँ डन। एंड आते इस कलर पे, एंड ये जो कलर है जो हमारे बैकग्राउंड में साइड साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो ह्यू है थोड़ा सा मतलब पूरा बढ़ा लिया हो, ठीक है। एंड सेचुरेशन को यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, एंड लुमिनस को बता दो आप लोगों को इसको भी बढ़ाना है इतना, ठीक है 65। एंड आते इस कलर पे, एंड इसका जो सेचुरेशन है सॉरी ह्यू है जो मेरा जींस का कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से इस तरफ करूँगा थोड़ा सा मतलब इतना रखूँगा 89, एंड सेचुरेशन को इतना 50, एंड लुमिनस को थोड़ा सा कम करूँगा इतना, ठीक है। एंड डन। एंड उसके बाद आते हैं यहाँ पर इफेक्ट पर, इसको क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे अराउंड 11, एंड थोड़ा सा टेक्सचर भी ऐड करेंगे 10%, एंड बिगनेट भी थोड़ा सा देंगे इतना डन। एंड आते हैं डिटेल्स में, एंड शार्पनेस को ऐड करेंगे यहाँ पर अराउंड 88 रख लिया मैं, एंड यहाँ से जो है मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार आउट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड वाइट डायरेक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं, एंड तो थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं इतना, एंड इसको कर देते डन।
एंड अब आते हैं यहाँ पर कलर्स में एंड ग्रेडिंग में, ठीक है। एंड इसका जो एंड शेडोज किस तरीके से मतलब करना है देख लेते हैं, मैं कितना रखना है तो इतना कर लेना है, ठीक है। एंड इसका जो बैलेंस है इसको कम ही रखना है, अराउंड 51। एंड ब्लेंडिंग को यहाँ पर पूरा फुल, ठीक है। एंड बैलेंस को जो है इतना 2% कम कर लेना है, ठीक है। एंड आते इस कलर पे, एंड इसका जो सेचुरेशन है बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा बढ़ा है 2%। एंड इस कलर पे आते हैं, एंड इसका जो सेचुरेशन है इसको भी थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा अराउंड इतना 3%। एंड शेडोज में चलते हैं, एंड शेडोज को भी सेचुरेशन को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा यहाँ पर, एंड ये को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ठीक है। एंड डन। एंड अब आते हैं यहाँ पर ट्रिम को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अराउंड मैंने 2% बढ़ाया हूँ। एंड ट्रिम को देख लेते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ से मैं 7% बढ़ाया हूँ, ठीक है। एंड अब आते हैं यहाँ पर सिलेक्टिव में, एंड प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ये वाला जो शेप है इसको ले लेते हैं, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसको इन्वर्ट कर देते हैं इस तरीके से, एंड इसको इस तरीके से आप लोग को रखना है। लाइट स्पैन है इसका, एक्सपोजर जो है कम कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इस तरीके से इसको आप लोग को चौड़ा करना है, और चौड़ा एंड यहाँ पर आते हैं इफेक्ट पर, एंड क्लैरिटी को भी थोड़ा सा ऐड करेंगे अराउंड इतना 17, एंड थोड़ा सा डिजायर को भी बढ़ाएंगे अराउंड 8%। एंड तो अब यहाँ पर से सेव कर लेता हूँ मैं इमेज को, ठीक है। एंड चलते हैं एडोब फोटोशॉप फिक्स में, वहाँ पर फाइनल अपने हेयर को कैसे एडिट करते हो बताऊँगा, एंड डोजन वन कैसे करते हो सिखाऊंगा, ठीक है। एंड गाइस, तो यहाँ से मैंने एंड्रॉइड फोटोशॉप ओपन कर लिया, एंड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो ओपन मोबाइल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है। एंड यहाँ से जिस फोटो का भी हमने सेव किया था उस फोटो को मैं ले लेता हूँ, एंड सबसे पहले जो अपने हेयर को एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ये वाले तीन वाला जो ऑप्शन है वो आप लोग को दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो आर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर साइज को मैं आप लोग को बता देता हूँ, इतना रख लेना है। एंड अपने फोटो को जो है जूम करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड अपने हेयर को जो है इस तरीके से आप लोग जो उठा के मतलब एडिट करिएगा, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ इसी तरीके से अपने हेयर को एडिट कर सकते हो, तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, हो चुका है। एंड अब चलते हैं यहाँ पर लाइट्स पे, ठीक है। एंड जो सबसे पहले हम डॉज एंड बर्न करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर सब कुछ मेरे साइज को इसको सब कुछ मिला के रखा हो, तो यहाँ साइज को मैं 30 एंड हार्डनेस को यहाँ पर 0% एंड ओपेसिटी को 7, ठीक है, 7 या 8 रख सकते हो आप लोग ओपेसिटी को। एंड तो यहाँ पर मैं जूम करूँगा, एंड इस तरीके से यहाँ पर लाइट ड्रॉ करूँगा, ठीक है। एंड फाइनली गाइस, तो हमारा डॉज एंड बर्न हो चुका है, ठीक है। एंड तो यहाँ से कर देंगे इसको डन। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लाइट से फिर से क्लिक करना है एंड डार्क पे, एंड इसको जो साइज है यहाँ पर पूरा फुल ही रहना है, ठीक है। थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं मैक्सिमम इतना, ठीक है। एंड इसको ओपेसिटी को पूरा कम, एंड सॉरी हार्डनेस को पूरा कम, एंड ओपेसिटी को मैं और कम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 10% रखता हूँ। जस्ट आप लोग को इस तरीके से अपने बैकग्राउंड पर इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है। एंड यहाँ से कर देता हूँ डन। एंड उसके बाद गाइस, हमारा फेस स्मूथ जो है इसको मैंने फेस स्मूथ नहीं किया, ठीक है। तो आप फेस स्मूथ कर लेते हैं, यहाँ पर स्मूथ का ऑप्शन है, स्मूथ पर क्लिक करना है। एंड इस सब को भी हमने सेटिंग करके रखा हो, ठीक है। यहाँ पर ब्रश वाला आइकन पर क्लिक करना है, एंड साइज को यहाँ पर देखते हो तो आप लोग 33 एंड हार्डनेस को 34 एंड ओपेसिटी को 35, ठीक है, इतना ही रखना है। एंड यहाँ पर जस्ट जूम करना है आप लोग को,
और मैंने पहले भी वीडियो में बताया हो कि किस तरीके से फेस करते हैं एंड इस तरीके से अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेना, पेंट कर लेना, ठीक है, इस तरीके से तो आपका जो फेस है वो स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, गाइस जो फेस जो है स्मूथ होता है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि हमारा फेस जो है स्मूथ हो चुका है, तो अपन बताता हूँ आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर कि हमारा फेस जो है स्मूथ हुआ है या नहीं। तो आप लोग को इस वाला आइकन पर जो है क्लिक करना, आप लोग को ऊपर में शो हो रहा है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको जो कम थोड़ा सा मतलब जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। एंड आप लोगों को बताता हूँ अब ये बिफोर सॉरी आफ्टर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, तो इतना नहीं रखना है हम लोग को। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम थोड़ा सा कम करूँगा, इतना रख लेता हूँ, ठीक है, 80%। एंड इसको कर देते हैं यहाँ से डन। एंड फिर से लाइट्स में आता हूँ एंड यहाँ पर जो है थोड़ा सा इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है लाइट दूंगा, ठीक है, एंड डन, सही है, ठीक है। एंड इसको कर देते डन। एंड जो हमारा फोटो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो कितने खतरनाक तरीके से मतलब कलर ग्रेडिंग हुआ है बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से सब चीज़ हुआ है। एंड अब हम अपने इमेज को जो सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर गैलरी लिखा है तो यहाँ पर सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। एंड मिलता हूँ मैं किसी इसी तरह के कमाल की एडिटिंग के वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।